रस्त्याने पायदळ जात असलेल्या एका व्यापाऱ्याचा मोबाईल हिसकावून फरार झालेल्या दोघांना तहसील पोलिसांनी अटक केली आहे. अमीर खान 25 वर्ष राहणार बाजरा आणि येथे श्याम खान उर्फ भूऱ्या 22 वर्ष मोमिनपुरा असे अटकेतील आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी त्यांच्या घरून मोबाईल आणि गुन्ह्यात वापरलेले वाहन जप्त केले आहे. आंध्र प्रदेश येथील रहिवासी फिर्यादी शेख हिदायतुल्ला 43 वर्ष यांचा जुनी JCP मशीन खरेदी करून त्याची विक्री करण्याचा व्यवसाय आहे. त्याच कामाने ते नागपुरात आले होते. प्रिन्स हॉटेलमध्ये त्यांचा मुक्काम होता. घटनेच्या दिवशी सायंकाळी 6 वाजताच्या सुमारास फिर्यादीने हॉटेल ताजमधून खाद्यपदार्थ घेतले आणि मुक्कामी असलेल्या हॉटेलमध्ये पायी जात होते. मोबाईलवर मॅसेज टाईप करण्यात ते व्यस्त होते. दरम्यान मोटरसायकलवर आलेल्या 2 आरोपींनी त्यांच्या हातातील मोबाईल हिसकावून पळ काढला. फिर्यादीने आरडाओरड केली. तोपर्यंत आरोपी पळून गेले होते. फिर्यादीच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी अज्ञात आरोपीवर गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. तांत्रिक तपासाच्या माध्यमातून आरोपी अमीर आणि त्याचा साथीदार एतमेश दोघांनाही पकडले. 13/1/24 को मिडनाइट में एक कंप्लेंट आया. उनका नाम था शेख हिदायतुल्ला. वो गुंटूर आंध्र प्रदेश में रहने वाला है. उसने बोला कि रात के समय 10:45 उनका मोबाइल किसी ने स्नैच किया है. घटने का सीरियसनेस देख के हमारे नाइट अधिकारी WAPI ज्योत्सना भावसर मैम और DB टीम तुरंत घटनास्थल पर गए. लेकिन रात होने की वजह से कोई CC फुटेज देख नहीं सकी. वो आरोपी ढूंढने के लिए प्रयास किया और जो फिरदी की FIR लेके गुना IPC 392 के अन्वय दाखिल किया. दूसरे दिन सुबह हमारी DB टीम ASI अनिल ठाकुर उनका लीड करते उनकी पूरी DB टीम आरोपी को खोजने में निकली. तो 24 घंटे के अंदर आरोपी निष्पन्न हुए. 2 आरोपी मोटरसाइकिल से मोबाइल स्नैच करते हुए CCTV फुटेज में दिखे और एक तांत्रिक विश्लेषण करके आरोपी को हमने ताबे में लिया. आरोपी का नाम है आमिर खान, एक गुलशन नगर का रहने वाला है. दूसरा है येतेश्याम उर्फ भूरिया रफीक खान, जो चूड़ी गली मोमिनपुरा में रहने वाला है. भूरिया के घर से मोबाइल जब्त हुआ. जुगुनी में जो मोबाइल उसने स्नैच किया था वो मोबाइल मिल गया. और जब आरोपी PCR में थे तब एक इंट्रोगेट करके आरोपी ने ऐसे ही एक मिठानेम दरगाह और अपना फुटाला तलाव यहाँ पे मोबाइल चोरी की थी वो भी मिले. ऐसे उसने गुनी में जो गाड़ी यूज़ की वो और 3 मोबाइल 1,13,000 का मुद्दे माल रिकवर हुआ है. आरोपी अभी PCR में हमारे यहाँ.